अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेक्शन बी चैप्टर नंबर 8। आपको जैसे पता है हमने कल आपको लेक्चर दिया था साउंड के हवाले से, और साउंड की बेसिक आपको सारी बातें बताई थी। कल का हमारा जो लेक्चर ख़त्म हुआ था वो था म्यूज़िकल साउंड की करेक्टरिस्टिक्स। म्यूज़िकल साउंड की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने आपको पिच के बारे में बताया था, क्वालिटी के बारे में बताया था, और लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस पे हमारा लेक्चर एंड हुआ था, जहाँ पे हमने बताया था आपको कि लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड ही बेटा आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम आज लेके चलेंगे। और सो व्हाट इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो फर्स्ट कर लें कि क्या कहते हैं, आपके पास एक यूनिट एरिया मौजूद है, जैसे एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक यूनिट एरिया है, और उस यूनिट एरिया से कुछ एनर्जी परपेंडिकुलर होकर गुजरती है यूनिट टाइम में। तो किसी भी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी भी एनर्जी परपेंडिकुलर होकर गुजर जाएगी, उस एनर्जी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नाम हमने दिया है। अगर वो एनर्जी साउंड से रिलेटेड है तो उसका नाम इंटेंसिटी ऑफ साउंड रखा गया। हमारे कान का जो पर्दा होता है ये भी एक यूनिट एरिया के तौर पे अज्यूम कर सकते हैं आप। तो कान के पर्दे से आके जो साउंड एनर्जी आगे टकराती है और परपेंडिकुलर पास आउट होती है कान के पर्दे से यूनिट टाइम में, तो बेटा उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, और इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं है आपके कोर्स के अंदर, ये फॉर्मूला जो आपके सामने इस वक्त यहाँ पे लिखा गया है, इस फॉर्मूले को सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा गया। दो साइंटिस्ट गुजरे बेटा, में से एक का नाम वेबर और दूसरे का नाम फेचनर है। इन दोनों ने लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया था। बड़ा आसान सा रिलेशनशिप था, और वो ये था कि अगर कान के पर्दे पर आवाज़ की इंटेंसिटी यानी एनर्जी कम आती है तो लाउडनेस यानी आवाज़ का लहजा कम महसूस होगा, और अगर कान के पर्दे पर आवाज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा आती है तो लाउडनेस ज़्यादा महसूस होगी। यानी लाउडनेस और इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन ये रिलेशनशिप सही से बन नहीं सका था, तो इसको इन्होंने मज़ीद मैथमेटिकली मॉडिफाई किया था, और फिर इसके बाद जो असल रिलेशनशिप बना था वो बेटा आपके सामने मौजूद है कि लाउडनेस इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली नहीं है बल्कि लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट होगा। यानी कान के पर्दे पर जो आवाज़ की इंटेंसिटी आएगी उसका आपने लॉगरिथम लेना है, तो उस लॉग की वैल्यू के साथ लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। इसको वेबर फेंचस लॉ कहते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, देखें, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शन हमने हटाया और बेटा यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया हमने, कॉन्स्टेंट के तौर। इसको वेबर फेंचस लॉ कहते हैं। हमारे पास तो बच्चों हम क्या कहते हैं, वेबर फेंचस लॉ के ऊपर बेस करते हुए एक टॉपिक बताते हैं आपको जिसका नाम है इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, ये दो आवाज़ों में उनकी लाउडनेस में फ़र्क को कहते हैं। दो आवाज़ों की लाउडनेस में फ़र्क उनकी इंटेंसिटीज़ की वजह से आएगा। एक लाउडनेस से जुड़ी हुई इंटेंसिटी कम है, और जबकि दूसरी आवाज़ से जुड़ी हुई लाउडनेस से जुड़ी हुई इंटेंसिटी ज़्यादा। दोनों के अंदर जो फ़र्क आएगा लाउडनेस का, उनकी इंटेंसिटीज़ के फ़र्क की वजह से होगा, और इस फ़र्क का नाम इंटेंसिटी लेवल रखा गया। सबसे कम जो आवाज़ होती है बेटा, जो कम इंटेंसिटी वाला साउंड होता है उसको थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कहते हैं, आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू मैंने कल लेक्चर में आपको बताई थी, 10^-12 होती है। तो हम किसी भी आवाज़ को, जैसे मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, कोई भी आवाज़ जो है, उसकी इंटेंसिटी को इस थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, सबसे कम वाली इंटेंसिटी से कंपेयर करते हैं, यानी दोनों के दरमियान फ़र्क देखते हैं, और दोनों की लाउडनेस में भी जो इस तरफ फ़र्क आता है उसी फ़र्क का नाम हमने इंटेंसिटी लेवल रखा गया। सो इंटेंसिटी लेवल क्या है बच्चों, इट इज़ द डिफरेंस इन टू लाउडनेस ड्यू टू देयर इंटेंसिटीज़। इसके लिए इसको कैपिटल पी या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले जो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, सबसे कम इंटेंसिटी जो है उससे जुड़ी हुई लाउडनेस का नाम एल नॉट, और उस इंटेंसिटी का नाम क्या रख देते हैं, आई नॉट। तो हमने यहाँ पर वेबर फेंचस लॉ लगाया जो ये लिखा हुआ, एल की जगह एल नॉट, के एज इट इज़ कॉन्स्टेंट लॉग आई नॉट। फिर हमने एक लाउड इंटेंसिटी, मिसाल के तौर पर मेरी आवाज़, तो मेरी जो आवाज़ है उसकी लाउडनेस एल है, उससे जुड़ी हुई इंटेंसिटी क्या है, आई। तो ये वेबर फेंचस लॉ हो गया इसके अंदर।
अब इनमें फ़र्क करना है तो याद रखिए एल नॉट हमेशा कम होगा और एल हमेशा ज़्यादा, क्योंकि एल नॉट का ताल्लुक जिस इंटेंसिटी से है वो बहुत कम है, सबसे मिनिमम इंटेंसिटी है, जबकि एल का ताल्लुक ज़्यादा इंटेंसिटी से है। तो नतीजे में हमने इनका क्या बनाना है, फॉर इंटेंसिटी लेवल हमने इन दोनों का डिफरेंस बनाया है, यानी एल माइनस एल नॉट, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, एल की वैल्यू के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, के कॉमन निकाला बेटा हमने यहाँ पे, और ब्रैकेट में रह गया, अच्छा ये एल माइनस एल नॉट, ये दो लाउडनेस के दरमियान डिफरेंस हो गया, इस डिफरेंस का नाम हमने आपको बताया, क्या नाम है इसका बेटा, इंटेंसिटी लेवल। के हमने कॉमन निकाला और यहाँ पे मैट्रिक वाली लॉग की प्रॉपर्टी लग गई कि लॉग आता है दो वैल्यूज डिफरेंस होती हैं, तो लॉग डिफरेंस को माइनस को क्या बना देता है, डिवाइड, लॉग एक दफ़ा आएगा, आई और आई नॉट क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बना, पी इज इक्वल टू के कॉमन था, लॉग आई अपॉन आई नॉट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी लेवल। इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है बेटा बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया था बेटा उसी के नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है बेल। बेल एक बहुत बड़ी यूनिट है, इससे एक छोटी यूनिट बनाई गई है डेसी बेल, एक बेल में 10 डेसी बेल होते हैं। तो बच्चों हमने अगर इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला बेटा डेसी बेल के लिए बनाना है तो बेटा सिर्फ फ़र्क ये होगा जो यहाँ के आ रहा है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला जो आपको नज़र आ रहा है ये फॉर्मूला होगा बेटा अब हमारे लिए किसके लिए, डेसीबेल, यानी पी इज इक्वल टू 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट इज़ फॉर डेसीबेल, एंड पी इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट इज़ फॉर बेल।